वेलकम टू एमजे स्टार एजुकेशन। स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल एमजे स्टार एजुकेशन पर। दोस्तों हमेशा की तरह हम आपके लिए आज भी लेके आए एनटीपीसी मॉक टेस्ट की हिस्ट्री के लिए पार्ट 5। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आया हूँ पार्ट 5। पार्ट 5 लेके आया हूँ यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आया हूँ पार्ट 5, जिसको आप इन क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। ये क्वेश्चन टीसीएस की एनटीपीसी की किसी न किसी शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चन का यहाँ पे निचोड़ दिया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बिना टाइम गवाए आपके इस क्वेश्चन का। ठीक है, और लास्ट में ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपका आंसर कितने आए। इनमें से कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको दिए गए होंगे, पर आप आंसर को ध्यान मत दीजिएगा, क्वेश्चन पढ़िए और आंसर को छुपाकर आप देखिए कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर आना चाहिए। और कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर लिख दें, कमेंट करें अपने मार्क्स के आपके कितने आए। इससे आपका एक तरह का टेस्ट हो जाएगा और आप इस वीडियो को एक तरह से टेस्ट के रूप में लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? तो कांग्रेस ने लाहौर में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाहौर। निम्नलिखित में से किस तारीख को भगत सिंह को फांसी दी गई? तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जय गोपाल किस षड्यंत्र में शामिल थे? तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जय गोपाल शामिल थे लाहौर षड्यंत्र में। लाहौर षड्यंत्र में ये लोग शामिल थे। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाहौर षड्यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत के तमिलनाडु में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना की थी 1943 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? तो राम मनोहर लोहिया ने, समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई? रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी 1915 में। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था कब बनाया गया? तो भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था 1906 में बनाया गया। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय टंकण और कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया था? मतलब भारतीय सिक्के और कागजी करेंसी अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया था? तो इसको पारित किया था लॉर्ड कर्जन ने। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। पूना समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो पूना समझौते के संदर्भ में ऑप्शन ए, यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अम्बेडकर के बीच हुआ था, यह गलत है, क्योंकि पूना समझौता महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुडस डिस्पैच को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? तो लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किया था भारत में शिक्षा में सुधार के लिए। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, महात्मा गांधी कांग्रेस की किस अधिवेशन में मात्र एक बार अध्यक्ष बने थे? तो महात्मा गांधी कर्नाटक के बेलगांव में 1924 में पहली बार अध्यक्ष बने थे कांग्रेस की तरफ से। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी बेलगाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फूले ने। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी ज्योतिबा फूले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारतीय क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति का पिता कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय राजनीति का ग्रैंड ओल्डमैन किसे कहा जाता है? तो भारतीय राजनीति का ग्रैंड ओल्डमैन कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? तो कांग्रेस के अधिवेशन की पहली बार अध्यक्षता करने वाले थे जॉर्ज यूल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। झंडा सत्याग्रह के लिए किस शहर को जाना जाता है? तो झंडा सत्याग्रह के लिए नागपुर शहर को जाना जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 1907 में कांग्रेस का विभाजन गरम दल नरम दल में किस अधिवेशन में हुआ था? तो 1907 में कांग्रेस का विभाजन गरम दल नरम दल सूरत अधिवेशन में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से गांधी जी ने पहला अनशन किस आंदोलन के लिए किया था? तो गांधी जी ने पहला अनशन अहमदाबाद मिल हड़ताल के लिए किया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता मोहम्मद अली और शौकत अली थे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेषाधिकार दिया था? तो ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1793 इसका राइट आंसर होगा। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित अधिनियम में से कौन सा अधिनियम बंगाल के गवर्नर जनरल को नामित करता है? तो ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अधिनियम बंगाल के गवर्नर जनरल को नॉमिनेट करता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन ए रेगुलेटिंग 1773 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं, और इस वीडियो में आपके कितने मार्क्स आए और अपने मार्क्स आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। इससे हमें पता चलेगा कि हमारे ये वीडियो आपके काम आ रही है या नहीं आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करें, शेयर करें, क्योंकि आपके लाइक से ही हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए इसी तरह से बनाते हुए लाते रहेंगे। और मेरा निवेदन है कि जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक्स कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन बटन को हिट कर दें, ताकि हम कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन या कोई भी एक वीडियो की सीरीज निकालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बाय। आज के लिए इतना ही।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।